सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास देर रात सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होने वालों में ज्यादातर महिलाएं थी। महिलाओं ने तिरंगा लेकर आजादी के नारे लगाते हुए कहा कि वो तब तक प्रदर्शन स्थल से नहीं हटेंगी जब तक कि केंद्र सरकार सीए को रद्द नहीं कर देती। इलाके में महिला पुलिसकर्मियों सहित भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जाफराबाद में ऐसे समय में प्रदर्शन हो रहे हैं जब शाहीन बाग में सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने एक सड़क को खाली कर दिया है। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरह से सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और बच्चे एनआरसी और सीए का विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। दरअसल सीलमपुर की रेड लाइट पर ये प्रदर्शन पिछले काफी दिनों से चल रहा है। जब से शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा है तब से जाफराबाद इलाके में भी प्रदर्शन चल रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं अचानक से ही जो महिलाएं जो आती हैं और ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से कैंडल जलाई गई है और इसके पीछे वजह क्या है ये अभी नहीं कहा जा सकता कि ये आखिर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर आने का इनका मकसद क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि व्हाट्सएप पर मैसेज सर्कुलेट हुआ और उसके बाद से ये तमाम महिलाएं यहां पर इकट्ठा हो रही हैं। आप देख सकते हैं मौके पर किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया है, हर स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं। पुलिस लगातार जो है यहाँ पर देख रही है ताकि कम से कम कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने न पाए। मौके पर खुद इलाके के डीसीपी और तमाम एसएचओज और तमाम थाना सब डिवीज़न के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ने न पाए और इसी कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल बुलाई गई है। कैमरामैन कुलवंत सिंह के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।